पूछना उसका जी बीच में जी चलो नहीं रही बे रे ऑफ लाइट ये तो अपन ने चलो रही रे ऑफ लाइट की हमें डेफिनेशन लिखी थी क्या थी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये थी हमारी रे ऑफ लाइट। उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट आर्टिकल है हमारा 1.1 आर्टिकल है उस आर्टिकल का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर जो फर्स्ट जो फिनोमिना हम एक्सप्लेन करेंगे वो फिनोमिना आपने ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ऑप्टिक्स का जो ये फिनोमिना है ये पूरे ऑप्टिक्स के अंदर काम आएंगे जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं जो बेसिक चीजें हैं ये आपने ध्यान से देखनी है। बस बेसिक कर लो इसका। बेसिक करने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना है जो आपको ऐसा महसूस होगी आएगा क्योंकि अगर बेसिक हो गया ऑप्टिक्स का तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देखिए सपोज करते हैं आपके पास एक प्लेन मिरर है। क्या आपके पास एक प्लेन मिरर है। अब ये मिरर कैसे तैयार किया जाता है तो एक साइड पर एक साइड सिंपल से मेथड बताया जाता है कि एक हम शीशा यानी कि जो हमारा मिरर कांच लीजिए ग्लास लीजिए और ग्लास के ऊपर हमने क्या कर देना है एक साइड में हमने कोटिंग कर देनी है पेंट कर देना है। पेंट करने से एक साइड तो उसकी कोटेड हो जाएगी और एक साइड की तरफ आपको कैसा दिखाई देगा वो ग्लास दिखाई देगा। ऐसा होता है ऐसा भी पीछे हमने सिल्वर की कोटिंग कर दी पीछे से अच्छी गाड़ी मेटल की कोई प्लेट चला दी और एक तरफ तो ग्लास रह गया और एक तरफ वो क्या हो गया आपको कैसा दिखाई देगा वो ग्लास पेंट कर देते हैं। लेकिन ये बहुत पुराना मेथड है। मिरर बनाने का तरीका क्या होता है सबसे पहले आप ग्लास लीजिए ग्लास को आप एक मेल्टिंग पॉइंट तक लेके आइए जैसे कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो मेल्टिंग पॉइंट। पूरे ग्लास को इरेगुलर शेप में होता है ग्लास इरेगुलर शेप को रेगुलर शेप में लेके आने के लिए उसको हम मेल्ट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से ये जो ग्लास होगा ये मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद इसको हम रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। किस पे छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे तो ये धीरे 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 अपनी उसी स्टेट सॉलिड स्टेट में आना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे कौन सी स्टेट में आना शुरू हो जाएगा ये सॉलिड स्टेट में आना शुरू हो जाएगा और एक टाइम आएगा जब ये सॉलिड फॉर्म बन जाएगी दोबारा से लिक्विड की बन जाएगी। उस समय क्या होगा ये एक प्लेन ऊपर से सरफेस बन जाएगी। हर लिक्विड मॉलिक्यूल जो ग्लास का होगा वो एक दूसरे के साथ स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ अटैचमेंट में आ जाएगा। एक प्लेन हो गया। उसके बाद हम मेटल लेंगे दूसरी मेटल को हम क्या करेंगे इसी प्रकार दूसरे कंटेनर में मेटल को डाल देंगे और यहाँ से उसको बर्न कर देंगे और मेटल भी क्या करना शुरू हो जाएगी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर किसी भी टेम्परेचर में जो आपको पता है। ज़्यादा आप केमिस्ट्री में डिस्कस करते हो कि इस टेम्परेचर पर कोई मेटल कितने टेम्परेचर पर कोई मेटल मेल्ट होना शुरू कर देती है वो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। उसके बाद जब ये मेटल पूरी मेल्ट हो जाएगी तो इस जो आपके पास जो सॉल्यूशन होगा जो लिक्विड होगा मेटल का वो इसके ऊपर आपने डाल देना है। मिरर के जो ग्लास होता है ग्लास के ऊपर आपने डाल देना है और उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है। किस पर छोड़ दोगे आप उसको रूम टेम्परेचर पे। जैसे ही उसको रूम टेम्परेचर पे आप छोड़ोगे तो एक सिरे के ऊपर तो मेटल जब उसके ऊपर फ्रीज हो जाएगी और दूसरा जो होगा वो क्या मिलेगा आपको ग्लास प्लेन ग्लास मिलेगा बिल्कुल पतला मिलेगा। इस तरीके से एक मिरर तैयार हो जाएगा आपका पीछे मेटल और सामने क्या ग्लास शीशा। इस तरीके से प्लेन मिरर तैयार किया जाता है। क्लियर। उसके बाद ये आपका प्लेन मिरर जो बनाया जाता है। उसके बाद आपने कुछ और लेना है यहाँ पे एक मान लो आपने क्या लिया एक सोर्स लिया सन का लाइट जो आप बोल सकते हो लाइट का सोर्स लिया वो लिया आपने सन। ठीक है
यहां से एक ऑब्लिकली लाइट फॉल करवानी है आपने यहां से, ठीक है। ये जो लाइट होगी ये होती है एरे ऑफ लाइट, ये क्या होती है एरे ऑफ लाइट, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट ये होती है एरे ऑफ लाइट। ये होता है एरो, ये एरो आपने नहीं भूलना है बच्चों, क्योंकि अगर ये एरो आप भूल जाते हो तो सोचो अगर आपने पूरा का पूरा फिनोमेना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है और ये एरो आपने नहीं लगाया तो इसका मतलब है आपका जो टॉपिक है वो आधा अधूरा है, एग्जामिनर उसको गलत निकाल सकता है। आई बात समझ में? तो ये लाइट यहाँ पे आई, इस लाइट का जो नाम होता है वो नाम होता है इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट। अब इस सरफेस के साथ, इस सरफेस के साथ जब ये स्ट्राइक कर रही है इस पॉइंट पे, तो यहां पे हम एक नॉर्मल ड्रा कर देते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि जब ये लाइट यहां टकराएगी इस सरफेस के साथ तो यहां ऐसी चली जाएगी टकरा के, क्योंकि कैसे आई है ओब्लिकली, कैसे आई है ओब्लिकली, यानी कि तिरछी लाइट आई है, कैसे आई है तिरछी, जिसकी वजह से जिस एंगल पे आई थी उसी एंगल पे क्या हो जाएगी ये स्ट्राइक करके चली जाएगी ऐसे। ये जो लाइट होगी इस लाइट का नाम होगा रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट। ये हम ड्रा करते हैं नॉर्मल, ये हम ड्रा करते हैं नॉर्मल, ये इंसिडेंट लाइट, ये रिफ्लेक्टेड लाइट। अब ये नॉर्मल सेम एंगल पे क्यों जा रहे हैं ये बताएंगे, ये देखा गया है ये सेम एंगल पे क्यों जाती है, इसी चीज को देखने के लिए एक नॉर्मल ड्रा किया गया है। क्या ड्रा किया गया है? नॉर्मल। जब हमने प्रैक्टिकल इसको बार बार, कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्रैक्टिकल करते हैं, भी हमने एक मिरर लिया, पहले लाइट को यहाँ से गिराया, फिर वो लाइट यहाँ एक नॉर्मल ड्रा कर दिया, डी जो होती है मापने की, एंगल मापने की, जो डी आपने देखी हुई ज्योमेट्री बॉक्स में आती है, उससे एंगल को मेजर कर लिया, वो एंगल मेजर किया इसके साथ भी कितने डिग्री का बनाया, फिर ये किया, दोनों हर बार हर केस में सेम मिले, हर केस में क्या मिले, सेम मिले, क्योंकि इसको जो टकरा के जिस तरीके से टकरा रही है उस तरीके से ये जा रही है, इसको आगे अपोजिंग करने वाला नहीं है, कोई क्या करने वाला नहीं है अपोज, क्यों? क्योंकि एक ही मीडियम में जा रही है। अगर ये दूसरे मीडियम में लाइट जाती, मान लो इस मीडियम से इस मीडियम में जाती, ये मीडियम होता अलग और ये मीडियम होता अलग, इसमें जाने के बाद मान लो ये मीडियम कोई सघन या डेंसर मीडियम होता तो ये इसका क्या करता, अपोज करता, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, अगर कोई बॉडी दूसरी बॉडी की कंडीशन को चेंज कर रही है तो सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी का क्या करेगी, अपोज करेगी। आई बात समझ में? इसलिए पहले एक ही मीडियम में जिस एंगल में आएगी उसी से ट्रेवल कर रही है, उसी में वापस उसको क्या करना है, जाना है, तो वो क्या नहीं करेगी, उसका अपोज नहीं करेगी, जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे वापस चली जाएगी। आई बात समझ में? तो इसको ये नॉर्मल क्यों ड्रा करते हैं, नॉर्मल इसलिए ड्रा करते हैं ताकि एंगल आई और एंगल आर को हम क्या करें, फाइंड आउट करें। ये एंगल जो बनाएगी नॉर्मल के साथ, ये एंगल होगा आई और ये जो एंगल होगा ये एंगल होगा आर। इस एंगल का जो नाम है, इस एंगल को पुकारते हैं इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, और इस एंगल को जो पुकारा जाता है वो होता है हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। ये दो एंगल होते हैं। आई बात समझ में? इन एंगल को मेजर करने के लिए, किनको मेजर करने के लिए, इन दोनों को मेजर करने के लिए हम क्या ड्रा करते हैं, एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। नॉर्मल हमेशा इस सरफेस के ऊपर ही ड्रा किया जाएगा, ध्यान रखना जहां पे इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक करती है सरफेस के ऊपर वहीं आपने क्या करना है, नॉर्मल को ड्रा करना है। आगे बात समझ में? तो यह आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर लाइट एक ही मीडियम में है, एक ही मीडियम से आ रही है और एक पॉइंट पे स्ट्राइक करके वापस उसी मीडियम में क्या कर रही है, वो जा रही है। इस जो फिनोमेना चल रहा है इस फिनोमेना का नाम क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमारी डेफिनेशन बन जाती है वेन लाइट, वेन इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक एट ए पॉइंट ऑन दी सरफेस ऑफ मिरर
रिफ्लेक्शन इट बाउंस बैक इन सेम मीडियम. भी एक पॉइंट पे स्ट्राइक करके आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद उसी मीडियम में क्या हो जाएगी, वो बाउंस बैक. जैसे एक बॉल को फेंका, भी बॉल को हमने इसकी तरफ फेंका, इसे टकराई और वापस उसी माध्यम में, यानी कि उसी मीडियम में वापस आ गई. बाउंस बैक को खेलती है ना बॉल, देखा हुआ क्रिकेट का मैच है, भी एक दीवार के साथ बॉल को फेंका, वो दीवार के साथ टकराई, वापस हुआ आ गई उसी मीडियम में, तो वो तो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है. क्या कहलाता है वो, रिफ्लेक्शन. आई बात समझ में. अब रिफ्लेक्शन में आपने एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों, R-A-T. ये क्या होता है, रेट. रेट मीन वैसे क्या होता है, चूहा होता है, है ना, लेकिन यहाँ पे रेट का मतलब अलग है. रेट, रेट का मतलब है R से है रिफ्लेक्शन और या रिफ्लेक्शन. A का मतलब है एब्जॉर्प्शन और टी का मतलब है ट्रांसमिशन. टी का मतलब क्या है, ट्रांसमिशन. ये तीन चीजें ध्यान रखना, आर ए की रेट, आर का मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ए का मतलब एब्जॉर्प्शन और टी का मतलब ट्रांसमिशन. बात समझ में आई, ना तो 100% रिफ्लेक्शन हो सकता, कभी भी क्या नहीं हो सकता, 100% रिफ्लेक्शन हो सकता, ना 100% रिफ्रैक्शन हो सकता, और ना 100% एब्जॉर्प्शन हो सकता, और ना ही 100% ट्रांसमिशन. एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन का मतलब है लाइट को क्या करना, एब्जॉर्ब करना. क्या करना, एब्जॉर्ब करना लाइट को, क्या करना, एब्जॉर्ब करना. ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करना, ट्रांसमिट करना. यानी कि ये मान लो ये मीडियम है, इसमें से लाइट इधर चली जाए, ये कहलाता है ट्रांसमिशन. जैसे कांच में से, जो कांच होता है वहां आर पार देख सकते हैं ना, लाइट इधर से उधर चली जाती है, तो ट्रांसमिशन कहलाता है. अब देखिए ये तीनों के तीनों कभी भी आपको 100% नहीं मिलेंगे, इन तीनों में से एक भी 100% नहीं मिलेगा आपको. ये ना तो 100% रिफ्लेक्शन होता, 100% एब्जॉर्प्शन होता, और 100% ट्रांसमिशन होता. ट्रांसमिशन होता है, मतलब आपके पास ये ग्लास है, यहां से एक लाइट गई, ये लाइट कभी भी अगर यहां से 100% लेके चली गई तो यहां पे 100% नहीं पहुंचेगी. मतलब सर इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, इसकी फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो आप, इसकी कुछ भी बोल सकते हैं, यानी कि परसेंटेज ही मैंने बोल दिया, सीधी सी बात है. अगर ये 100% एनर्जी लेके चली गई, सपोज करो ये 100% एनर्जी जिसके पास, तो ये यहां पे एनर्जीज की 100% नहीं जाएगी. उसमें सब चीजें आ गई, फ्रीक्वेंसी भी आ गई आपकी, लेंथ भी आ गई आपकी, सही बात समझ में. अब वो एनर्जी जाती कहां है तो उसको समझिए. जब एक लाइट यहां से स्ट्राइक करती है, ठीक है, ये था मिरर, मिरर था ना ये. अब मिरर में जब स्ट्राइक की तो ग्लास को क्या है बच्चों, एक ग्लास एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है. ग्लास क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. इसमें इतना रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, तो इसमें कौन है, मेटल. कौन है, मेटल. तो मेटल क्या करती है, मेटल ट्रांसपेरेंट नहीं है, और मेटल पता है आपको रिफ्लेक्ट भी नहीं करती लाइट को इतना. क्या मेटल के अंदर आपका चेहरा दिखाई देगा, नहीं दिखाई देता, ग्लास के अंदर दिखाई देता है. तो इसमें रिफ्लेक्शन की कौन करता है, मेटल करती है ग्लास. क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीच में ग्लास रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को या मेटल रिफ्लेक्ट कर रही है, क्योंकि दोनों केस ये है, द ग्लास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है और मेटल क्या है, एक अब्जॉर्ब करती है लाइट को, लेकिन इतना ज्यादा ट्रांसमिट नहीं करती, यानी कि रिफ्लेक्ट, सॉरी रिफ्लेक्ट नहीं करती लाइट को. तो कौन करता है रिफ्लेक्ट यहां पे, तो देखिए अगर ये 100% एनर्जी अपने साथ लेके चली थी, तो ये 95% एनर्जी के साथ इस मेटल के साथ स्ट्राइक करके क्या करती है, जंप करती है. क्या करती है, जंप. 5% एनर्जी क्या कर देगी, ये लॉस कर देगी. क्या कर देगी, लॉस. इसमें जंप करने में कहां से, इस सरफेस से, क्योंकि ग्लास इसमें से, ग्लास के अंदर से क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी. कौन मिलेगा इसको, कौन मिलेगा, मेटल मिलेगा. मेटल को क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, वो कुछ ना कुछ एनर्जी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा. एब्जॉर्ब करके वापस लाइट को क्या कर देगा, वो ट्रांसमिट. तो जो ट्रांसमिट कर रहा है वो कौन है,
मेटल ग्लास और रिफ्लेक्ट कर रहा है वो कौन है मेटल, तो दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं इमेज क्रिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इमेज क्रिएट। तो रिफ्लेक्शन का केस कौन करता है, दोनों करते हैं, कौन करते हैं दोनों, मेटल भी और कौन ग्लास, ग्लास भी। बात समझ में सुमित, जहां पर ये लाइट टकराई थी वहीं से वो आगे चली जाएगी। हाँ, जहां पे ये लाइट टकराई थी वहीं से 5% एनर्जी लूज कर देगी अपनी, जरूरी नहीं है कि 5% ही एनर्जी लूज कर दे, ये तो एक सिंपल ही हम इसको मॉडिफाई करने के लिए भी समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि 5% हो सकता है 2% एनर्जी लॉस हो सकता है वो 10% एनर्जी लॉस हो, समझ रहे हो, इनकी मैक्सिमम एनर्जी क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जो कुछ एनर्जी का जो वेस्ट होगा वो उसको जंप करने में वेस्ट होता है। सिंपल कांच में ही दाव इतने तो रिफ्रैक्शन होना चाहिए लाइट का, नहीं रिफ्रैक्शन, हाँ रिफ्रैक्शन ही होगा ना वो, पहले दो जैसे ये ग्लास हो गया फिर इसके साथ ही मेटल लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, दोनों एक साथ के चिपके हुए तो मीडियम सेपरेट तो नहीं हुए, नहीं हुए ना, तो इसीलिए इस मीडियम के अंदर से ट्रांसमिट करेगी ग्लास में से अब बाहर जाएगी ग्लास में से क्या करेगी वो ट्रांसमिशन होगा तो आगे कौन बैठा है मेटल ने उसको रोक लिया, दोबारा फिर ट्रांसमिशन होगा मेटल से टकराएगी लाइट, दोबारा फिर क्या होगा ट्रांसमिशन, तो कौन कौन कर रहे हैं इसको काम को, दो कर रहे हैं, कौन कौन दो, कौन एक ग्लास और एक मेटल, बस समझ में, तो रिफ्लेक्शन कौन करा रहा है दोनों करवा रहे हैं, लेकिन न तो अकेला ग्लास करवा सकता और न ही अकेला मेटल करवा सकता, समझ में आया क्लियर है, तो ये है आपका रिफ्लेक्शन, क्या ये रिफ्लेक्शन, अब ये एंगल तो आपको पता चल गई, ये एंगल इंसिडेंट एंगल है और ये एंगल कौन सा है रिफ्लेक्टेड एंगल है, पता चल गई ना, लेकिन ये वाला एंगल कौन सा होता है, ये एंगल होता है ग्लासिंग एंगल, क्या होता है ये ग्लासिंग एंगल इस एंगल का नाम है ग्लासिंग एंगल। अब इसके कुछ लो है भाई रिफ्लेक्शन के, क्या है ग्लासिंग होगा सर ये वाला, नहीं ये रिफ्लेक्टिव के साथ बना हुआ है, ये ग्लासिंग एंगल है, उसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके लो, आपने पढ़े होंगे 10th क्लास में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिक से लॉ है, क्या क्या है वो लॉ है जो बेसिक से लॉ, वो ये है कि इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल ऑलवेज लाइज इन सेम प्लेस, तो इंसिडेंट लाइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पहला, इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल lies in same plane, किस प्लेन में रहते हैं वो सेम प्लेन, प्लेन को समझे आपने, प्लेन का मतलब क्या है, ये प्लेन है ये एक्स वाई और ये जेड, एक्स वाई जेड, एक्स इसी में आपने मिरर रखा है, इसी में लाइट आई, इसी में गई, तो एक ही प्लेन में हो रहा है सब कुछ, इसका मतलब है तीनों किसमें है वो एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं, आई बस समझ में क्लियर है इतना सा। दूसरा एक सिंपल सा लो है वो है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, भी एंगल अगर 30 डिग्री का है आई इंसिडेंट तो आर भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। कई बार आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है कि सरफेस के साथ इतना एंगल बना हुआ है, तो आपने ये एंगल देखना है, ये जो इंसिडेंट एंगल है किस किस के बीच में है, नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच में, ध्यान रखना सरफेस और मिरर अलग है, सरफेस और मिरर के साथ ये कितना बना रहा है 90 डिग्री, कितना बना रहा है ये 90 डिग्री बना रहा है ना, अगर ये 30 दे दिया, कितना दे दिया ये 30, तो ये 90 में से 30 गया कितना रह गया 60 रह गया, ग्लासिंग एंगल कितना रह गया 60 रह गया, आई बात समझ में, कई बार दो नंबर का एचबीएससी बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है ये न्यूमेरिकल इसके ऊपर, समझ गए मेरी बात, तो ये था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आज इतना ही करना है।